लक्ष्मी की। श्रीमद् संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थराज सम्मेय शिखर जी की। अहिंसा मई जैन धर्म की। पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुश्रावकों एवं प्रत्यक्षतः उपस्थित सभी भव्यजनों, मैं आज पुनः आप सबको लिए चलता हूँ उस स्थान में जो जगत विख्यात है गुणायतन के नाम से, जो अवस्थित है तीसरा समय से की तलहटी में और जहाँ विराजमान है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम सब नहीं अपित पूरा विश्व अपनी दैनंदिनी को अपने जीवन को उत्तमता प्रदान कर पा रहा है। और यह वह स्थान है जहाँ बन रहा है अकृत्रिम चैत्यालय तुल्य पंचायतन शैली का पाषाण जन मंदिर और जहाँ गुणायतन का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन के परिक्षेत्र में बैठ करके आप आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे और प्रत्यक्षतः प्रश्न करके अपनी शंकाओं को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होंगे। मैं आप सबको आपके जिज्ञासाएं शांत करवाऊं उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि ऐसे गुरुदेव का बड़ा हस्त हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। गुरुदेव का मानसचित्र गुणायतन कुछ ही माहों में लोकार्पित होगा और उसके लोकार्पण का कारण बन रहे हैं आप, आपका उदात्त मन, आपका उदात्त भाव। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप गुणायतन से जोड़ा है, संबद्ध किया है, जीवन को धन्य किया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूँ, जो यहाँ नहीं है उनके लिए हम कर्तव्य ध्वनि से उनका प्रोत्साहन करेंगे और जो यहाँ हैं उन्हें बुलाऊंगा, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हम उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि से आज संबद्ध हुए हैं ऑनलाइन ग्वालियर से श्रीमान सुमत प्रकाश जी जैन, दीपक कुमार जी जैन, आपकी कर्तव्य ध्वनि उन तक पहुँचे, उनकी पुण्यायन की आप अनुमोदना करें। आज गुणातन से शुद्धार के रूप में जुड़कर के अपने जीवन के सूत्र गुणातन से संजोए हैं श्रीमान विनोद कुमार जी, श्रीमती मंजू जी, इंजीनियर निहाल जी, डॉक्टर नयन जी जैन पथरिया वाले इंदौर से। वे आ जाएँ पूरे परिवार के साथ, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ गुणातन के ट्रस्टी श्रीमान राजकुमार जी, ममता जी जैन मंडला को। आपकी तालियां लगातार बजती रहे, ये सब व्यक्तित्व आपके बीच में स्थित हो रहा है जिसने आज गुणायतन से अपने जीवन के सूत्र संजोए हैं और संबद्ध हुए हैं गुणायतन से सूत्रधार के रूप में। आप आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव का और सम्मान कर रहे हैं श्रीमान राजकुमार जी, ममता जी जैन, LIC गुणायतन मंडला, ट्रस्टी गुणायतन मंडला। आइए सम्मान कीजिए, यहाँ आइए, सामने आइए गुरुदेव, सामने अब सामने दोनों साइड से। इसी क्रम में हम सम्मानित करके हर्षित हो रहे हैं श्रीमान संजीव जी, कल्पना जी जैन, आदित्य अश्विन जैन देवरी सागर से, अपने परिवार के साथ आए, अपने परिवार के साथ आए और गुरुदेव चरणों की वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए मैं सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ गुणातन के ट्रस्टी श्रीमान सुनीता जी, संजय जी जैन, कर्मपुरा दिल्ली, ये गुणातन के ट्रस्टी हैं, आए इनका सम्मान करने के लिए। आपकी तालियाँ इनके इन स्वभाव के लिए, इनके पुण्यायन के लिए अनुमोदन के रूप में निरंतर बजती रहें। और हम आज चलिए लाइन से, मैं सीधे सीधे आप सबको लिए चलता हूं गुरुदेव के श्री चरणों में जिनके श्रीमुख से। आइए संजय जी आ जाए, हाँ आप दीजिए, लाओ हाथ लगाओ, दोनों हाथ लगाओ, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। इन्होंने आज गुणायतन संबद्ध हुआ है, किए हैं अपने आप को, आप भी आने वाले कल अपने आप को संबद्ध कर पाएं इस भावना के साथ इनका अनुमोदन, इनकी पुण्य की अनुमोदना कीजिएगा। आइए प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान ममता जी, राजकुमार जी जैन मंडला को, वे आए और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान पाए, ऊपर ही जाएं। और साथ ही तैयार रहें श्रीमान संजय जी, सुनीता जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन करमपुरा दिल्ली, अपने प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान संजय जी, सुनीता जी जैन, करमपुरा दिल्ली,
सीता कीजिए, हाँ व्यवस्थित हो जाए। तो इंदौर जा रहे हैं, आगे आ जाए। दूसरे तैयार करो, आगे आगे। ओ हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु भगवान। हे गुरुवर, कल तो पहले ऊपर पहाड़ पर जाना तो आशीर्वाद चाहिए। और ये है कि मेरा प्रश्न ये है कि माँ जीवन है और पत्नी जीवन संगिनी है, और इसके अलावा और दोनों क्या है महाराज जी? माँ जीवन और पत्नी जीवन संगनी, इसके अलावा दोनों क्या है? देखो, पहली बात तो माँ को जीवन मत बोलो, माँ को जन्मदात्री और जीवनदायिनी बोलो, और पत्नी जीवन संगनी है। दोनों में अंतर क्या है? पत्नी लोग पसंद करके लाते हैं, माँ जो मिली है उसे पसंद करना पड़ता है। क्या बोल रहा हूँ? पत्नी पसंद करके लाई जाती है, पर माँ जो मिली है उसे पसंद करना होता है, और वही जिससे हमारा सबसे पहला नाता हो वो माँ। चलिए आइए श्रीमान संजय जी, सुनीता जी जैन ट्रस्ट गुणायतन कर्मपुरा दिल्ली, तैयार हैं श्री संजीव जी जैन देवरी बीना बारहा। जी के चरणों में जिनेंद्र जेके जैन परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे तो कोई ऐसा अच्छे से पकड़ो। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, सुख और खुशी के बाद क्या लक्ष्य होना चाहिए आदमी का? सुख और खुशी के बाद क्या लक्ष्य होना चाहिए? लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए, सुख और खुशी सब अल्पकालिक है, हमें दीर्घकालिक अनुभूति की तरफ जाना चाहिए। ठीक, ओम। हाँ, हमें दीर्घकालिक दृष्टि रखनी चाहिए, समझ गया? ओम। हाँ, तो सुख और खुशी के बाद का आपने लक्ष्य बताया है, मैं तो कहता हूँ हमारा चरम और परम लक्ष्य आनंद का होना चाहिए, जो समता में मिलता है। सुख और खुशी है क्या? ये अल्पकालिक अनुभूति है, जब हमारे मन या इंद्रियों के अनुकूल कुछ घटता है तो हमें अल्पकाल के लिए खुशी या सुख की अनुभूति होती है। सुखी कब, सुख कब दुख में बदल जाए और खुशी कब गम में परिणत हो जाए, कहा नहीं जा सकता, लेकिन आनंद इन सबसे ऊपर है। आनंद शब्द की उत्पत्ति नंद धातु में आंग उपसर्ग पूर्वक हुई है, जिसका अर्थ है सब स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न होकर जीना। तो आनंद का मूल क्षमता है, उसमें बाहर की चीजों की कोई आवश्यकता अपेक्षा नहीं, आंतरिक संतुष्टि ही आनंद की चरम अनुभूति है। इसलिए अल्पकालिक खुशी और सुख के पीछे परेशान होने की जगह चिरंतन आनंद का लक्ष्य रखना चाहिए। हाँ, देव के चरणों में त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महर्षि जी, मेरा प्रश्न, जो भी विधान होता है उसमें हम ठोने में लोंगे लोंगों की स्थापना करते हैं, क्या वो निर्माल्य में आती है? ठोने में जो लौंग हम चढ़ाते हैं, चूंकि हम निर्वाण समर्पित तो नहीं किए, लेकिन कुछ लोग बोलते उसको घर में रख लो, उपयोग में ले आते ऊपरी प्रयोग के लिए, पर जो चीज़ हम संकल्प पूर्वक चढ़ाते हैं वो निर्माल। आइए श्रीमान संजीव जी जैन देवरी बीनावारा से, जब अभी शुद्ध गुरु गुणात संबद्ध हुए हैं, तैयार हैं श्रीमान विनोद कुमार जी, श्रीमती मंजू जी जैन इंदौर पथरिया वाले, सूत्रधार गुणायतन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं नमोस्तु महाराज जी, महाराज जी, महाराज श्री, हमारे महाराज श्री जीवन में अगर हमसे कोई जानबूझकर भूल होती है तो उसकी सजा मिलना तो निश्चित है, लेकिन अनजाने में जो भूल हुई है, जिसके गुनाह का हमें पता ही नहीं है,
उस विधि के विधान में क्षमा का निधान क्यों नहीं है? विधि के विधान में क्षमा का निधान क्यों नहीं? देखिए, क्षमा का विधान क्यों नहीं? वो इसलिए है कि हम मजबूत बने, मजबूत बने और एक सीख ले, जब अनजाने की गुनाह का हमें ऐसा दंड मिलता है तो जानबूझ के किए गए गुनाह का कितना दंड होगा। सावधान हो जा, शायद विधि का यही विधान है जो हमें सुधार सके। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम विधि के विधान पर विश्वास ही नहीं करते। जिस दिन हम विश्वास करने लगेंगे हमारे जीवन का कायाकल्प होगा। चलिए, आइए श्रीमान विनोद कुमार जी, श्रीमती मंजू जी, एक सवाल और, बहुत सारे नाम हैं, चलो। मैं राजी के चरणों में तीवार नमोस्तु। मैं राजी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में हम मन को ऐसा कैसे संयमित करें कि मेरा ध्यान धर्म में लगा रहे, यहाँ वहाँ ना भटके। अनेक बार इस पर मैंने मार्गदर्शन दिया है, पुराने क्लिप्स को सुन लो। बस इतना ही कहता हूँ, परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति हमारे हाथ में है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, विषमताएं हो, अपने मन में स्थिरता बनाए, मन को मोड़ ले, तो हमारी समस्याएं अपने आप ठीक होगी। चलिए, आइए श्रीमान विनोद कुमार जी, श्रीमती मंजू जी जैन इंदौर पथरिया वाले, और तैयार है आकांक्षा जी जैन बक्सवाहा। आकांक्षा जी आ जाए नजदीक महाराज में चरणों में, गुरुदेव में अश्रु पूरित होकर बारम्बार आपके श्री चरणों नमन करता हूँ। हे गुरुदेव, मैं पहले तो विनय करना चाहता हूँ गुरुदेव कि मैं क्षमा सागर महाराज जी से मैंने उनके जीवंत काल में गुरुदेव ने मुझे अपने शिष्य बनाया था गुरुदेव, उनकी समाधि के पश्चात मैं गुरु की शरण में भटक रहा हूँ गुरुदेव। मैं गुरुदेव आज आपकी शरण में आया हूँ, बस गुरुदेव आप मुझे अपनी शरण में रखें गुरुदेव, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। नमोस्तु। आशीर्वाद। सवाल करो गुरुदेव। मेरे एक प्रश्न है गुरुदेव, मैं इंदौर में रहता हूँ पंचवारती मंदिर में गुरुदेव, रोज़ सुबह 5:30 से 6 के बीच से गुरुदेव मैं सभी प्रतिमाओं का सूखे गीले कपड़े से मार्जन करता हूँ गुरुदेव। उस कारण गुरुदेव करीब 1.5 से 2 घंटे मेरा रोज भगवान की सेवा में जाता है। इस कारण गुरुदेव मैं स्वाध्याय एवं ध्यान की क्रियाओं में थोड़ा सा कम समय दे पाता हूँ। हे गुरुदेव, अब दोनों क्रियाओं में मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? आप मार्ग पर जो कर रहे हो उसी को ध्यान से करो। नमोस्तु। आशीर्वाद। वो भी धर्म ध्यान। चलिए, आकांक्षा जी बक्सवाहा से, और तैयार हैं श्रीमान नवीन कुमार जी यानी बड़ा मलहरा छतरपुर। नवीन कुमार, दोनों मुरी राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल प्रतिमाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उन्हें खुले में स्थापित करते हैं जिससे उस पर पक्षियाँ भी बैठ जाती हैं, और मैंने खुद देखा है पारस गृह, मतलब ये पारसनाथ स्टेशन है, वहाँ पे मूर्ति खुले में स्थापित है, तो उस पे मतलब वहाँ पे कुत्ते लड़ रहे थे प्रतिमाओं के बिल्कुल पास, तो क्या इसमें कोई दोष नहीं है? मैं तो कहता हूँ महादोष है, जिनने ऐसी प्रतिमाएं विराजमान की हो महापाप के भागी हैं। भगवान को जहाँ तहाँ विराजमान कर देना अपराध है, जो विराजमान करते हैं और करवाते हैं वे सब एक प्रकार से पाप के भागी हैं। मैंने देखा आजकल ये परंपरा बना ली है, लोग बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखते हैं, खुले विधान में रख देते हैं, मंदिर बनता नहीं है, भगवान विराजमान कर देते हैं। एक दो जगह तो मैंने आँख से देखा, सटक से पाइप से भगवान के ऊपर जो बीट वगैरह पड़ गई है उसको धोया जा रहा था। ऐसा क्या है, ऐसी क्या जरूरत है, इतनी मूर्तियों की स्थापना की आवश्यकता क्या है? जब तक मंदिर पूर्ण न बने प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, विधान तो ये है। अब मंदिर बनाए नहीं, भगवान पधरा दिए, पधराने वाले पधरा दिए, पंचकला न कराने वाले करा दिए, सूर मंत्र देने वाले सूर मंत्र दे दिए, अब भगवान को भगवान भरोसे छोड़ गए। ये अनर्थ है, कभी भी कोई भी तुम्हें कहे तो मत करना। हालांकि मेरा एक अनुभव है, मैं तो चाहता हूँ इसमें एक तथ्यात्मक अध्ययन हो। जितने भी जगहों पर खुले वितान के नीचे लोगों ने भगवान विराजमान किए हैं, उनके पारिवारिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही है, मेरे ज्ञान में जितने हैं। अगर इसको और ठोस तथ्यात्मक तरीके से कोई अध्ययन करे तो समाज में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आसरपट बन सकती है। बाहुबली भगवान की बात अलग है, उनकी तो एक महिमाई न्यारी है, क्योंकि वो केवल चामुंडराय के दान से नहीं बनी, नेमीचंद आचार्य के ध्यान से बनी है, उसका वो अत्सय है, आज भी उसकी परछाई नहीं पड़ती,
उस पर पक्षी नहीं बैठते ऐसा लोग कहते हैं। तो बाहुबली एक अलग है, लेकिन अन्यत्र जहाँ जहाँ भी है एक इसका अध्ययन होना चाहिए। तो पहली बात तो खुले वितान में प्रतिमा विराजमान न करो, और अधूरे मंदिर में जब तक मंदिर की कम से कम छत न बने तब तक प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। आप लोगों से मैं कहता हूँ, कोई भी आपसे कहे भी कितना भी अच्छा स्थान हो, कितना भी अच्छा अवसर हो, तो तब तक प्रतिमा जी विराजमान करने की सम्मति अपनी ओर से न दो जब तक भगवान के ऊपर पूर्ण छत न हो, सुरक्षित न हो। आपको निश्चित दर्द हो रहा होगा, जहाँ कुत्ते लड़ते दिखेंगे, जहाँ पक्षी बीट करते दिखेंगे, वहाँ क्या होगा? भगवान के दरबार में यदि ऐसा होगा तो हमारे जीवन का उद्धार कतई नहीं हो सकेगा। आइए नवीन कुमार जी, बड़ा मनहरा छतरपुर से, और तैयार हैं श्रीमान मृणाल जी जैन ट्रस्ट गुणायतन अपनी मातुश्री श्रीमती कीर्ति जी के साथ दिल्ली से। मुनिश्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि युवा करियर के किसी विशेष लक्ष्य, धन, पदवी, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव रख लेते हैं और लगाव के अनुरूप परिणाम ना मिलने पर हताशा में डूब जाते हैं। इस दिल टूटने जैसी स्थिति से कैसे बचें व कैसे उभरें? दो दिन पहले ही मैंने इस आशय के प्रश्न के उत्तर में काफ़ी विस्तार से चर्चा की। सफलता के संदर्भ में हमें व्यापकता से विचार करना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल ये नहीं कि हम किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। सफलता का अर्थ ये है कि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण कर ले। जैसे तुम जैसे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, तुम्हारा मकसद क्या है? मान लीजिए कोई आईआईटी के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठा है, नीट बोलते हैं ना, क्या नीट तो उसके लिए होता है, मेडिकल के लिए, आईआईटी के लिए क्या बोलते हैं? जेई एडवांस। अब उसके लिए आपने टेस्ट दिया, अब टेस्ट में निकलते कितने हैं? आईआईटी की सीट कितनी है? 10,000। बैठते कितने हैं? 13,00,000 बैठते हैं, उसमें कुल 10,000 को जगह मिलती है, यानी 12,90,000 को तो वहां चांस मिलना ही नहीं है ना। अब कोई कहता है कि मैंने आईआईटी के लिए अटेम्प्ट किया, मैं नहीं निकला, मैं विफल हो गया, ये उसकी भूल है। मैं उनसे कहता हूँ, तुम ये बताओ आईआईटी किया क्यों? इसलिए कि पढ़ लिख करके मुझे अच्छी जॉब मिले या मेरी योग्यता बढ़े, मैं अपना अच्छा कारोबार करूँ। तो दुनिया में जितने भी जॉब वाले सब आईआईटी वाले हैं क्या? जो आईआईटी नहीं उनको जॉब नहीं मिलती? या जितने बड़े कारोबारी हैं क्या वो आईआईटी या नहीं है? बिल गेट्स को देख लो, वो तो ड्रॉपर है दुनिया के बहुत। एलन बक्स के बारे में भी मैंने ऐसे ही सुना है। दुनिया के नामचीन लोगों के साथ भी जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन बुलंदियों को छू रहे हैं। इसलिए सफलता किसी लक्ष्य की पूर्ति का नाम नहीं, सफलता उद्देश्यों की पूर्ति का नाम है। समझ गए? तो मैं तुम जैसे सारे युवाओं को तुम्हारे माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब कभी ऐसी बात हो तो आप उसको घबराए नहीं। एक जगह हमें प्रयास करें, मान लीजिए किसी का आईएएस बनने का लक्ष्य है तो आईएएस बनने के लिए प्रयास करें, पर आईएएस नहीं बन पा रहा है तो दूसरी संभावना देखिए। दो दिन पहले मैंने कहा था, एक भाई आईएएस बनने के लिए बार बार इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, लेकिन आज लोगों को आईएएस बना रहा है और खुश है, कोचिंग चला रहा है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि मैं जो सोचा, खासकर उस क्षेत्र में जहाँ प्रतियोगिता है, अपने आप को विफल ना माने। इसलिए धारा बदलिए, निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति का नाम ही सफलता नहीं, उद्देश्य की पूर्ति करके संतुष्टि से जीना ही एक सफल मनुष्य की पहचान। आई श्रीमान मृणाल जी जैन मातुश्री श्रीमती कीर्ति जी के साथ दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमान अभिषेक जी जैन दिल्ली शिकर वाले।
नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में त्रै बार नमोस्तु। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, 6 महीनों बाद मुझे पड़गान मिला। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ कर्म आड़े आ रहे हैं, वो मनोबल आज बहुत बड़ा आपके पड़गान से। आज का प्रश्न है गुरुदेव, विद्यासागर महाराज जी के प्रवचनों में सुना था कि परिवर्तन को सहज स्वीकार करो, यही सफलता की तरफ बढ़ने का एक वो है। तो मेरे को परिवर्तन छोटे से छोटा कुछ भी चेंज होता है एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो कैसे माइंड को ट्यून करें कि परिवर्तन को हम एक्सेप्ट कर सकें अपने जीवन में। बहुत अच्छी बात है, देखिए सही बात है। इसके साथ कुछ योग ऐसा बना कि हर महीने 1.5 महीने में आता है अपनी माँ को लेने, लेकिन जब आता उसके पहले ही हमारा नंबर लग जाता है। हताशा होती स्वाभाविक है, आज तुम्हारा पुण्य जागा है और ये लाभ मिला है, इससे एक सीख लो कि कभी हारना नहीं चाहिए, अवसर जीवन में जरूर आता है बसरते हम लगे रहे। अब जो तुम्हारा मूल सवाल है कि परिवर्तन को हमारा मन स्वीकार नहीं करता, उस घड़ी में हम क्या करें। देखिए परिवर्तन तो हमें स्वीकारना ही पड़ता है और वो हमें स्वीकारना भी चाहिए। मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ, बचपन से अब तक तुम जहाँ पहुँचे हो तुम में कितना परिवर्तन आया? बिल्कुल पिछले तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी मनोवृत्ति में, तुम्हारे रूप में, रंग में परिवर्तन आया कि नहीं? आया। एक्सेप्ट किया कि नहीं? करा है। नहीं मैं छोटा ही रहता क्यों? तुम बोलते हो परिवर्तन को मेरा मन स्वीकार नहीं करता, ये कैसे स्वीकार किया? और अभी थोड़े बड़े हो गए, फिर तुम्हारी शादी होगी, फिर थोड़े और प्रौढ़ हो जाओगे, फिर बूढ़े हो जाओगे, फिर हो सकता है कमर भी झुक जाए, लाठी पकड़ के जाना पड़े, शरीर शिथिल हो जाए, स्वीकार करोगे कि नहीं? करेंगे। सुबह होती है, आज खिली धूप थी दिन भर, अभी रात दिनस्थ हो गया है, अब ठंड हो गई, ये परिवर्तन है कि नहीं? इसको स्वीकार करते हो कि नहीं? करते हैं। तो जैसे इस प्राकृतिक परिवर्तन को तुम स्वीकार करते हो, वैसे ही जीवन में घटने वाले परिवर्तन को भी एक संयोग मानकर स्वीकार कर लो, जीवन निहाल हो जाए। ये व्यवस्था है वस्तुगत, तुम्हारे हाथ में ऐसी ताकत है कि दिन हो रात ना हो, तुम्हारे पास ऐसी क्षमता है कि सदाबहार ऐसे जवान बने रहो, तुम्हारे हाथ में है ऐसा कि तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो, नहीं। तो जब चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है तो हाथ पांव क्यों मारते हो? समझ गए? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, और संत कहते हैं जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो उसे स्वीकार करने में ही भलाई है। समझ गए? परिवर्तन भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रकृतिगत परिवर्तन और दूसरा पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। प्रकृतिगत परिवर्तन में हमारा कोई जोर नहीं, उसे तो स्वीकार करना ही होगा। कुछ परिवर्तन हम अपने पुरुषार्थ से करते हैं, अपने सोच को बदलना, अपनी प्रवृत्तियों को बदलना, अपने व्यवहार को बदलना, अपने व्यक्तित्व को निखारना, ये प्राकृतिक नहीं है, ये पुरुषार्थ जन्य है, साधना इसी का नाम है। तो प्रकृति तुम्हें बदल रही है, वो बाहरी परिवर्तन है, तुम अपने आप को बदलो, ये तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन है जो कि साधना है, इसे बदलो। तो मैं बोलता हूं एटीट्यूड को बदलना पुरुषार्थ मूलक है या प्राकृतिक है? पुरुषार्थ। ये तुम्हारे पास है कि नहीं? है। तो जब कुछ परिवर्तन हो हमें कुछ नहीं करना, अपना एटीट्यूड बदल देना है, फिर कोई समस्या रहेगी क्या? नहीं। तो यही तो पुरुषार्थ करना है, कुछ नहीं करना, अपनी मनस्थिति को बदल लो, और मनस्थिति वही बदलने में समर्थ होता है जो वस्तु के स्वरूप का श्रद्धानी होता है।
वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करो, मजबूती के साथ आगे बढ़ करके चलोगे तो कठिनाई नहीं होगी। समझ गए? नमस्तु। आइए सी ए श्रीमान अभिषेक जी जैन दिल्ली शिखर वाले, और तैयार हैं श्रीमती जागृति राजेश जी गांधी सूरत। नमस्तु गुरुवर। अनुभव यहाँ खड़े होके शंका की समाधान का, एक मेरे ख्याल से यहाँ सभागार में बैठे सभी लोग जब हम समोक शरण में बैठते हैं और तीर्थंकर की जो हमारी शंका का समाधान गौतम गणधर के थ्रू करते हैं, या तो साक्षात गुरुवर बैठे हुए हैं। नमोस्तु गुरुवर। और जैन सोशल ग्रुप दिल्ली के अध्यक्ष होने के नाते आपको सभी हमारे परिवार और हमारे परिवार की तरफ से नमोस्तु। गुरुवर, हमारे 24 तीर्थंकर वर्तमान काल में भी हैं, भूतकाल में भी हुए और भविष्य काल में भी हैं, पर गुरुवर आज ऐसा तीन काल में ऐसा अलग अलग क्यों गुरुवर? अब हम भूतकाल की बात करें तो भूतकाल में आज मेरे ख्याल से हमें बैठे हुए बहुत कम नाम याद होंगे, तो क्यों ना ऐसा, मतलब मेरे शंका इस तरह की है कि एक ही 24 तीर्थंकर मतलब एक काल से आगे की तरफ जाएं, ऐसा क्यों नहीं गुरु? बहुत अच्छा। देखो, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दृष्टि है। जैन धर्म किसी अनादि सिद्ध परमात्मा पर विश्वास नहीं करता। जैन धर्म के अनुसार ऐसा कोई परमात्मा या उन जैसी शक्ति नहीं है जो अनादि से परमात्मा रूप में ही है और अनंत काल तक बनी रहे। जैन धर्म के अनुसार हर आत्मा परमात्मा है और हर आत्मा अपनी चेतना का क्रमिक विकास करके परमात्मा बन सकता है। समझ गए? क्रमिक विकास करके परमात्मा बन सकता है। हमारे जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, प्रत्येक काल के 24 ही के तीर्थंकर कभी हमारी तुम्हारी तरह सामान्य मनुष्य ही थे। हर प्राणी परमेश्वर बन सकता है, हर जीव जिनेंद्र बन सकता है, हर नर नारायण बन सकता है, हर कंकर शंकर बन सकता है। ये जैन धर्म का सबसे बड़ा उद्घोष है। तो ये बात दर्शाने के लिए, इस बात को बताने के लिए कि देखो, हमारी ये जो 24 है ये आज की नहीं है, अनादि की है। अतीत में दूसरे 24 थे, वर्तमान में दूसरे और भविष्य में दूसरे होंगे। ये क्रम बदलेगा। एक ही परमात्मा बार बार अवतरित नहीं होंगे। जैन धर्म में अवतारवाद को कोई स्थान नहीं। क्यों अवतार? क्यों परमात्मा का नीचे क्यों आना? परमात्मा तो वह है जो कृतकृत हो गया, नीचे किसके लिए आना? यानी अभी उनमें कोई इच्छाएं शेष है, और जब तक इच्छा शेष है तब तक परमात्मा नहीं हो सकता। आत्मा ही परमात्मा बनता है। अवतरण नीचे आना है। जैन धर्म अवतारवाद नहीं, उत्तारवाद। आओ तरो जाओ। जैसे दूध से एक बार घी निकल जाने के बाद घी वापस दूध नहीं बनता, वैसे ही आत्मा से एक बार परमात्मा पना प्रकट हो जाने के बाद दोबारा आत्मा इस संसार में नहीं आता। तो ये बात दर्शाने के लिए बताते, भूत में भी 24 थी, भविष्य में भी 24 थी, पर हमारी पूजा तो वर्तमान ही है। हमारे 24 तीर्थंकरों के ही मंदिर बनते हैं। हमारे मूल आराध्य वर्तमान के 24 ही हैं। लोगों को जनाने के लिए त्रिकाल 24 की स्थापना होती है। कई जगह विद्यमान 20 तीर्थंकरों की भी कर देते हैं, लेकिन मूल आए कौन है? 24। इसलिए हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं। हमें उन्हीं 24 तीर्थंकरों की आराधना करके चलना चाहिए, उस पर ही विश्वास और भरोसा करना चाहिए। आइए श्रीमती जागृति जी अभिषेक जी, जागृति जी राजेश जी गांधी सूरत से, और तैयार हैं व्रति बहन सोनिया दीदी मुंगावली। मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि बहुत पुण्य होता है जिनका, उन्हें ही दिगंबर जैन धर्म में जन्म होता है, परंतु दिगंबर जैन धर्म में जन्म होने के बाद 70-80% व्यक्ति को धर्म रुचता नहीं, ऐसा क्यों? धर्म नहीं रुचता। देखिए ऐसा है,
दुर्लभ होना और दुर्लभता का एहसास होना, इसमें अंतर है। जिन लोगों को दुर्लभता का एहसास होता है उनके हृदय में एक अलग प्रकार की भावना उमड़ती है। जिन्हें दुर्लभता का एहसास ही नहीं उनको हम कैसे बताएं, उन्हें लगता ही नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम हर व्यक्ति के हृदय में उस दुर्लभता का बोध कराएं, उनके मन में ऐसा एहसास जगाएं कि ये महादुर्लभ है, समझ गए। तो उस दुर्लभता को जब हम समझेंगे तभी अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हम खुद में ही दुर्लभता का एहसास न करें, जिन लोगों के अंदर इसका एहसास नहीं है, युक्ति के साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से हम उनका एहसास कराएं, आभास कराएं, तो उनकी श्रद्धा अपने आप जग जाएगी। उपस्थित हूँ प्रतिमहन सोनिया दीदी मुंगावली और तैयार हैं प्रतिमहन सुनीता दीदी बादशाह दमोह। महाराष्ट्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुंगावली में विराजमान पूजारी का मां अंतर्मती माता जी की तरफ से नमोस्तु व संगत सभी माता जी की नमोस्तु। मुंगावली जैन समाज के सभी लोगों की तरफ से नमोस्तु। महाराष्ट्री नगर में जैसे महाराज जी माता जी का चतुर्मास होता है और कोई कोई श्रावक गण इतने जुड़ जाते हैं कि वे मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं, व्रत ले लेते हैं, तो क्या वो मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं और व्रत ले लेते हैं तो महाराज जी माता जी से पूर्व जन्म का कोई उनका रिलेटिव या कोई रिश्ता रहता होगा कि वो इतना जुड़ जाते हैं कि मोक्ष मार्ग में आ जाते हैं महाराज जी? देखो, अगर कोई किसी से जुड़ा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये पूर्व जन्म का ही नाता। हमारे संबंधों में बहुत सारा पूर्व जन्मगत भी होता है और बहुत सारा एक दूसरे के संपर्क जन संयोग से भी बनता है। हर बात को पूर्व जन्म से जोड़ना उचित नहीं लगता, नहीं तो हम तो जितने भी नाते सबको पूर्व जन्म से जोड़ देंगे। हो सकता है किसी किसी के प्रति अचानक एक सहज आकर्षण उत्पन्न होता है और वो जुड़ाव होता है, कहा जा सकता है कि ये पूर्व जन्म से संबद्ध है, पर ये सब कुछ पूर्व जन्म कृत ही है ऐसा कहना ठीक नहीं। आइए व्रती बहन सुनीता दीदी वासा दमोह और तैयार हैं आदरणीय श्री प्रमोद जी कक्का शास्त्री परिवार कटनी। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु सब परिवार का। महाराज जी, हमारा अपना क्वेश्चन नहीं है, है दूसरे का। हमारी माँ जी का कहना है कि सुनीता दीदी महाराज जी से पूछो कि हमारा पुण्य अक्षय पुण्य बना रहे, तो हमें ऐसा जैसा आज हमारा चल रहा है तो ऐसा ही हमारा कैसे, हम कौन सा पुण्य करें, कौन सा कर्म करें कि जिससे हमारा दान का लगातार प्रवर्तन चलता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। बहुत ही मौलिक प्रश्न है। अक्षय पुण्य बना रहे उसके लिए हम क्या करें? देखिए, अक्षय पुण्य अगर कोई करना बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही उपाय है, सतत दान करो। दान में भी यथासंभव पात्र दान करो। सातिशय पुण्य के बंध की बात उसमें कही गई, भोगो दाना। दान से अक्षय पुण्य की उपलब्धि होती है। हमारे यहाँ चार कर्म बताए हैं पुण्य के उपार्जन के लिए। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपातगत दान समुत्थमन्नत, पुण्यम व्रतानुचरणाद उपवास योगा, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्ज नियम। ऐसा आचार्य जिनसेन देव ने आदि पुराण में लिखा है कि पुण्य जिनेन्द्र भगवान की पूजा से होता है, पुण्य पात्र को दान देने से होता है, पुण्य व्रतों के आचरण से होता है और पुण्य उपवास करने से होता है। ये चार ही गृहस्थों के धर्म है, दानम पूजा सील मुवासो सावियानम चौभ्यो धम्मो। ये चार धर्म है जो पुण्य के बंध के विशेष निमित्त हैं। इनमें हम सतत यत्न करें अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप। दान देने और दान की अनुमोदना करने से पुण्य की सी वृद्धि होती है जो जीवन को आगे बढ़ाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए सदे कक्का जी शास्त्री परिवार। एक मिनट, कुछ बोल रहे हैं। हाँ,
आज हमारा पारस चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध है, जो भी इस पर देख रहे हैं, जो भी लोग परिक्रमा में चलेंगे, उनका सबका भोजन हमारे परिवार श्री कैलाश चंद जी, मोहित कुमार जी, जितने लोग भी पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो लोग भी इसको सुन रहे शंका समाधान में, उन सभी लोगों को मेरे परिवार की तरफ से श्री कैलाश चंद जी, मोहित कुमार जी, श्रीमती निर्मला जी, प्रियंका जी, मंत्र कुमार जी, सा परिवार, कथा वाला परिवार कानपुर की तरफ से आप सभी लोग आमंत्रित हैं और आप लोग सब मिलकर के परिक्रमा में गुरु जी के साथ हम सब मिलकर के चलेंगे और पूरा इनको भोजन आदि जो भी है सारा हमारे परिवार की तरफ से रहेगा। बहुत सुंदर, चलो बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दो। ये परिवार हर कार्य में हमेशा तत्पर रहता, उदारता से चुपचाप अपना काम करता रहता अपनी प्रेरणा से। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो आदरणीय अक्का जी उपस्थित हों और तैयार हैं, बाल ब्रह्मचारी भैया, श्रद्धे भैया, विजय जी लखनादौन। गुरुदेव के चरणों में कटनी से शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, जगत के रंग को क्या देखूं, जगत के रंग को क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है, क्यों भटकूं गैरों के दर पर, तेरा दरबार काफ़ी है। गुरुदेव आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक यह भावना भाता हूं। हे गुरुदेव, भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाए थे, परंतु वर्तमान में ये संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गए। जबकि उदाहरण है कि बिना भाई के रावण हार गया और भाई के साथ राम जीत गए, फिर भी ये वृत्ति लोगों में आज तक नहीं पनपी। क्या कारण है कि हम इतने पिछड़े रह गए जबकि हमारे पूर्वज इतने आगे थे। बहुत बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा है, भाई भाई का रिश्ता प्रकृति ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया, लेकिन आज भाई भाई संपत्ति बांटने लगे, संपत्ति बांटने में लगे हैं। बिल्कुल यथार्थ है और आपने ये बिल्कुल सही कहा, रावण हार गया क्योंकि उसके पास भाई नहीं था, और लक्ष्मण राम राम हो गए क्योंकि उनके साथ भाई का साथ था। काश लोग इस सच्चाई को समझे। ये तब होगा जब व्यक्ति वस्तु निष्ठ न होकर व्यक्ति निष्ठ बनेगा। पहले हमारे संबंधों का मूल स्नेह और आत्मीयता जैसे उदात्त तत्व थे, परस्परता और प्रेम हर पल हमारे हृदय में बसता था। आज उसका स्थान आवश्यकता और उपयोगिता ने ले ली और हर पल अहम और उत्तेजना से ग्रसित होने के कारण हमारे अपने संबंध भी दिनों दिन नष्ट होते जाते हैं। तो हम अपने जीवन में सही सद्भाव को जगाएं और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बिल्कुल यथार्थ है, बंधु वही जो विपद में साथी, पर क्या करूं, भाई और भाई के मध्य ही ऐसी गहरी खाई है कि कुछ कहा ही नहीं जाता। काश हम इस खाई को पाट पाएं और जीवन का पथ प्रशस्त कर पाए। नमोस्तु गुरुदेव। आइए बाल ब्रह्मचारी श्रद्धेय भैया विजय जी अपनी बात और सूचनाओं के साथ, और तैयार रहेंगे श्रीमान विशाल जी जैन, डाल्टनगंज, संरक्षक गुणायतन। आ जाए मंच के नजदीक। ओम नमः। शंकाओं के समुद्र में बह रही, डूब रहे असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका दी है, ऐसे शंका समाधान करता प्रामाणिक योग जिनके अंदर विराजमान है, ऐसे पूज यूनिवर्सरी प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि सह कोटि सह वंदन करते हुए। बंधुओं, मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी अभी हमारी जीजी कह गई कि 11 तारीख को तो पिछी परिवर्तन होगा, 10 तारीख को अधिवेशन होगा, 12 तारीख को संपूर्ण
शिखर की संपूर्ण पर्वत की परिक्रमा में जो लोग शामिल होंगे उनका भोजन की ओर से होगा। यह शुभखबरी तो आपको मिली गई है बंधुओं। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी लोग परिक्रमा में शामिल होंगे, ऐसी परिक्रमा पहले कभी नहीं की होगी। ये परिक्रमा बड़ी अद्वितीय होगी। संसार के चक्र भ्रमण को मिटाने के लिए आए और इस परिक्रमा में अपन सब लोग मिलकर के शामिल हो जाते हैं। एक विशेष खुशखबरी और मैं आपको देना चाहूंगा बंधुओं, वह खुशखबरी यह है कि पूज्य आचार्य भगवान से दीक्षित श्रवण परंपरा में जिनने निर्यापक का पद पाया है, ऐसे पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी और एलक जी, ऐसे चार मुनिराज सम्मेत शिखर की ओर विहार करते हुए झारखंड में प्रवेश हो चुका है बंधुओं। और अति शीघ्र वह गुणायतन की तलहटी में, गुणायतन में आकर के ठहरेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत दिन होगा, अभी अभी बात चल रही थी भाई भाई की, आप याद करो वो रामायण, जब भरत जी राम से मिलने के लिए गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही वो चार भाई अपने बड़े भाई से मिलने के लिए यहां पर आ रहे हैं। बड़ा शुभ संकेत होगा बंधुओं ये, आप इसमें शामिल होकर के। मैं महाराज श्री से कहना चाहूंगा अपनी शंका के माध्यम से, एक जिज्ञासा रख रहा हूं, महाराज जी कैसा महसूस कर रहे होंगे आप जब वह चार मुनिराज आपके पास आएंगे दर्शन करने के लिए पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से आपके अंदर। तो वास्तव में मैं समझ सकता हूं कि वह अंदर की उत्कंठा और अंदर का उत्साह है। वास्तव में वो दिन भी कभी आएगा जब आचार्य भगवंत भी चल करके यहाँ आएंगे, ऐसी परिकल्पना कर रहा हूँ। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिन आ जाने दो, प्रतीक्षा करो। आइए आइए श्रीमान विशाल जी से संरक्षक गुणायतन अपने परिवार के साथ तैयार हैं। श्रीमान कालिदास जी छावड़ा, शोभा जी छावड़ा, ट्रस्टी गुणायतन जियागंज मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। बोलो बोलो, किसको पूछना है? वहीं बोल दो ना, अपना नाम बोल लो। बोलो किसको पूछना है, जल्दी करो। महाराज श्री, मेरा तो इच्छा है कि आप लोग, आपका प्रवेश डाल्टनगंज। ओ, सवाल बहुत दिन से हाँ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, समाज आशीर्वाद। सवाल करना करो जल्दी, सवाल पूछो। हो गया। नमस्तु गुरुदेव, सभी छिंदवाड़ा वासी एवं डाल्टनगंज वासियों की तरफ से सबको नमस्तु। और छिंदवाड़ा वासी आपका बड़े दिल से आपका आमंत्रण। ओ चलो, आशीर्वाद। अगला प्रश्न। आइए श्रीमान कालिदास छावड़ा, शोभा जी छावड़ा, जियागंज। सवाल है, चलो सवाल। उपस्थित हो, तैयार हैं। श्री सौरभ जैन बड़ा मलेहरा छतरपुर। नमस्तु महाराज जी, हमारा और मुर्शिदाबाद जैन समाज का नमस्तु नमस्तु नमस्तु। संसारी होने के नाते मानव धर्म कैसे पाले है? और कौन सा मानव धर्म पालने से कौन सा फल मिलेगा? संसारी होने के नाते मानव धर्म हम कैसे पाले और कौन सा मानव धर्म पालने से कौन सा पुण्य मिलेगा? देखो, मानव धर्म का पालन तो संसारी ही करता है, देवता नहीं करते। बस मैं यही कहूँगा, मानव धर्म का पहला पाठ अधर्म से बचे रहना। यदि हम अधर्म से बच गए तो हमारा जीवन धन्य हो। आगे आइए सौरभ जी बड़ा मलहरा छतरपुर, तैयार हैं। श्रीमती गुणमाला जी जैन साढ़ौरा मध्य प्रदेश। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमस्ते महाराज जी, मैं ज्ञानोदय दीवानगंज व केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से जैन दर्शन का अध्ययन कर रहा हूँ। सामान्यतः जैन दर्शन के अध्ययन से कैरियर की संभावनाएं कम ज्ञापित होती हैं, तथापि मेरा प्रश्न है कि जैन दर्शन के अध्ययन से मैं किस तरीके से सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक एवं भौगोलिक क्षेत्र में अपना योगदान दे सकूँ, जैन धर्म की प्रभावना कर सकूँ, एवं जैन धर्म का जो आध्यात्मिक मार्ग है, न्यायपूर्ण जो मार्ग है, उस मार्ग को मैं सामान्य जन के लिए किस तरीके से लाभान्वित कर सकता हूँ, मेरा जिस प्रश्न का। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि जैन धर्म के पढ़ाई करने में कैरियर नहीं। मैं तो कहता हूँ, जो जैन धर्म को ठीक रीति से पढ़ता है सच्चे अर्थों में, उसका ही कैरियर बनता है। हम लोगों ने कैरियर का संबंध केवल नौकरी पेशा से जोड़ लिया है, जबकि सच्चे अर्थों में कैरियर तो हमारे जीवन चरित्र से बनता है। हमारा चरित्र उज्ज्वल हो, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है। फिर भी भौतिक और व्यवहारिक जीवन में
जो आवश्यकताएं होती है उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म का मर्मज्ञ बन जाता है तो आज उसके लिए अवसर की कमी नहीं है। बहुत सरकार के द्वारा भी बहुत स्थान है और समाज भी ऐसे लोगों के स्वागत में हमेशा तत्पर रहती है। इसलिए मैं सभी से कहूँगा आप अच्छे से अध्ययन कीजिए और अध्ययन करके जैन धर्म की प्रभावना में अपना योगदान दीजिए। और एक बात और है, पढ़ाई का लक्ष्य केवल नौकरी नहीं होना चाहिए। जैन दर्शन से अध्ययन करने के बाद आप अपने अध्ययन के साथ अपना स्वतंत्र व्यवसाय भी कर सकते हैं, खुद अध्ययन करके और लोगों को अध्ययन अध्यापन भी करा सकते हो, जिनवानी माता की सेवा में भी अपनी सहभागिता दे सकते हो, जिन शासन की प्रभावना का उत्कृष्ट कर्म भी कर सकते हो, ये सारे निमित्त आपके साथ हो सकते हैं। इसलिए ऐसा सोचना कि जैन धर्म या जैन दर्शन की पढ़ाई के बाद मेरे लिए कोई संभावनाएं नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। अनेक विद्वान हैं जो प्रोफेसर बन करके बहुत से रिटायर हो गए और अभी बहुत से लोग काम कर रहे हैं जिनकी एक एक लाख से ऊपर के सैलरीज हैं, कैसे नहीं प्राप्त हो रहे, सब प्राप्त हो रहा है। तो हम पढ़े लिखे शासन शासकीय सेवाओं में जाएं या और कई तरह से, विद्वान सा सर्वत्र पूज्यते की उक्ति को कभी भूले नहीं, बस उसकी निष्ठा प्रबल होनी चाहिए। और मैं आज सबसे कहूँगा तुम्हारे प्रश्न के बहाने कि लोग जैन दर्शन की पढ़ाई में रुचि ले। कई जगह विभाग बने हुए हैं यूनिवर्सिटीज में, लेकिन वहाँ छात्रों के अभाव में उन्हें बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है। आप लोग सहभागिता दीजिए, खासकर महिलाएं, ये तो कम से कम जैनिज्म पर एमए तो कर ही सकते हैं। हम अपने जैन संस्कृति को आगे कैसे बढ़ाएंगे? प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश और जैन दर्शन का अध्ययन लोगों को जरूर करना चाहिए। लोग एक एक विषय में नहीं तीन तीन विषय में एमए करते हैं। रुचि जगाइए कि मुझे जैन दर्शन में भी एमए करना है, तभी हम जैन धर्म को आगे तक बढ़ा सकेंगे। भारत की ये हालत, अमेरिका में तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में आज जैन धर्म की पढ़ाई पर विशेष बल दिया जाने लगा है, कई जगह तो नमोकार मंत्र का पाठ भी होने लगा है। तो हमें इसको आगे बढ़ाना होगा और लोग जब इस तरफ रुचि रखेंगे तभी हम जैन धर्म की दीर्घकालिक प्रभावना कर सकेंगे। आइए श्रीमती गुवाला जी सढ़ौरा मध्य प्रदेश से तैयार हैं, श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन अनन मुनि भक्त जयपुर, तैयार हैं मानसी जी बक्सवाहा, परिवार और सढ़ौरा परिवार की ओर से नमोस्तु सरकार नमोस्तु। हमारी धर्म के प्रति आस्था है, वर्षों से पूजन विधान करते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं, तो हम सम्यक दृष्टि हैं, कैसे समझें? नमोस्तु महाराज। देखिए, धर्म के प्रति आस्था है और जो आप कर्म करते हैं वो सब अच्छे लक्षण हैं, पर हम सम्यक दृष्टि हैं ही, इसे समझने के लिए मेरे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। लेकिन हाँ, एक स्थूल हम आपको बता सकते हैं। यदि मेरी सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा है, दूसरा हम गहित मिथ्यात्व से बचे हुए हैं, मेरा आत्मा के प्रति अनुराग है, प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक के जैसे गुण मेरे भीतर भरे हैं, तो हम मान सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि। आइए मानसी जी बक्सवाहा से तैयार हैं श्रीमान राजेश जी पाटिल मांगूर कर्नाटक। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरे व संत श्री सुधा सागर बालिका छात्रावास सांगानेर परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरु जी, मेरी जिज्ञासा है कि भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार सचित्त आहार इत्यादि में भोग का लक्षण तो घटित हो जाता है, परंतु उपभोग का लक्षण आहार इत्यादि में किस प्रकार घटित होगा? क्योंकि उपभोग का अर्थ होता है भोगे हुए को पुनः भोगना, तो आहार और गरिष्ठ भोजन इत्यादि को पुनः किस प्रकार भोगा जा सकता है? कृपया समाधान। पांचों इंद्रियों के उपभोग के योग विषय बताता हूँ। भोग तो एक बार भोगा जाए, उपभोग बार बार, है ना? जैसे स्पर्श इंद्रिय है, गद्दे आदि बार बार प्रयोग में लेते हैं, उपभोग के विषय क्लियर। रसना, रसना क्या है? प्राय जो चीज़ हम एक बार खाते हैं वो एक ही बार खाते हैं, पर कभी लालीपॉप चूसा है? कितनी बार चूसते हैं? ये भोग है कि उपभोग? आ गया। सुगंधित पदार्थ को हम बार बार सूंघ सकते हैं, उपभोग हो गया। इसी तरह बहुत सारा रूप है जिसे हम हर पल बार बार देखते हैं,
बहुत सारे संगीत है जिसे हम बार बार सुनते हैं तो पांचों इंद्रियों में आ जाता है। ये बात सही है कि रसना इंद्रिय की जो भी चीज़ें वो लगता है कि एक ही बार भोग लिया, लेकिन फिर भी हम उसको देखें तो उसको हम और दूसरे तरीके से देखें। हमने एक चीज़ बना ली, मान लीजिए कोई मिठाई बनाई, एक बार हमने बनाई खट्टी, अब उसको हम कई बार खाएं, तो इसे भी हम प्रकारांतर से वो भोग की वस्तु के रूप में देख सकते हैं। चलिए आइए, कौन? श्रीमान मांगूर से श्रीमान राजेश जी पाटिल, और तैयार हैं संजय जी जैन, बड़ा मलेहरा छतरपुर। संजय जी नमस्ते। महाराज जी, मैं मांगूर से आया हूँ। मेरा गांव आचार्य शांति सागर महाराज जी पुण्य जन्मभूमि यलगुड़ और कर्मभूमि भोज के बीच में हमारा गांव है, और आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज सदलगा ग्राम से मेरा गांव नज़दीक है, और मेरा परम भाग्य है मैं इस दर्शन के लिए आया हूँ। नमस्तु महाराज जी। नमस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है महाराज जी कि हमारे जो 24 तीर्थंकर है वो सभी 24 तीर्थंकरों का चेहरा और शरीर रचना एक ही दिखता है, ऐसा क्यों है महाराज जी? और उसके तीर्थंकर बनने से पहले उनका चेहरा अलग था क्या, ऐसा ही था? देखिए, तीर्थंकर की प्रतिमाओं में चेहरा एक सा दिखता है, लेकिन तीर्थंकर का कोई चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता। हर तीर्थंकर का रूप लोकोत्तर होता है, उन जैसा उस काल में उस धरा पर कोई दूसरा नहीं होता। समझ गए? हमारे 24 भगवंतों के शरीर की ऊंचाई, उनके रंग में भी भिन्नता है, समझ गए? पर प्रतिमा जी जब हम विराजमान करते हैं समचतुरस्र संस्थान में एक सी आकृति में करते हैं, ताकि उनकी बीच राखता अच्छे से लक्षित हो सके। आइए श्रीमान संजय जी बड़ा मलेहरा छतरपुर से, तैयार है श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। कभी कभी हम लोगों के मन में दीक्षा के भाव आते हैं, लेकिन कभी कुछ मतलब शंकाओं में डूब कर और भाव बिगड़ने लगते हैं, तो महाराज जी ऐसा क्यों? और जिनसे भाव बढ़ते कौन से कर्म के उदय चलते? जिनके सामने भाव बढ़ते हैं उनकी निकटता बढ़ाओ, और जहाँ भाव बिगड़ते हैं उनसे दूरी बढ़ाओ, तभी तुम्हारा काम बन पाएगा। नमस्ते। नमस्ते। आइए श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन जयपुर अनुमणि भक्त, और तैयार हैं प्रियल जैन, सुश्री प्रियल जैन इंदौर। ओ बोलो। परम पूजने गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। सत सत नमन गुरुदेव। हमारा समाज, चाहे वो हिंदू समाज हो या जैन समाज, विभिन्न धाराओं में चलता है। ऐसा कहते हैं कि वो एक दिशा में तब चलता है जब पांचवा उसके कंधे पे होता है, जबकि दो तीन समाज ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक हैं लेकिन अब बहुसंख्यक होते जा रहे हैं, वो एक आवाज़ में और एक ही बात पर, एक ही आज्ञा पर वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कैसे किया जाए कि सब एक दिशा में चले? सब एक दिशा में चले, इसके लिए हम क्या करें? देखिए, मेरा तो एक अनुभव बताता है कि जब तक मनुष्य के सामने चुनौतियां नहीं आती वो संभलता नहीं। जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं उन सब के लिए सर्वाइवल स्ट्रगल है, तो वो उनको इकट्ठा कर देता है, इकट्ठा करता नहीं, इकट्ठा होना उनकी मजबूरी। आम जनों के साथ ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता, इसलिए लोग दिशाहीन हो जाते हैं। पर अब लोगों को चेतने का क्षण है, यदि नहीं चेतेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ उल्टा हो जाए और हमें बहुत विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए बाध्य होना पड़े। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए
परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय। सवाल कर लो बेटा, पूछो। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरा आलू प्याज लहसुन का त्याग है, लेकिन स्कूल में भोजन में कई बार आलू रहता है और दोस्तों के फोर्स करने पर कई बार मेरे भाव बनते हैं खाने के, तो क्या मुझे कोई पाप लगेगा? बेटा, पाप की बात बात में, पहले तुम ये बताओ आलू प्याज क्यों नहीं खाती? महाराज जी, क्योंकि उसमें जीव होता है। तो अब जब तुमको जीव हिंसा से बचना प्यारा है कि दोस्तों की बातें प्यारी? महाराज जी, बचना प्यारा है। तो बस जब भाव बिगड़ने लगो तो कहो हमें दोस्ती से ज़्यादा अपने धर्म को ध्यान में रखना है, इसलिए भाव नहीं बिगाड़ना है और मजबूत बनना है। समझ गए? तो हमको जीव हिंसा से बचना है, ये काम हमको सपने में भी नहीं करना। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे हृदय में ऐसे उत्तम भाव आए, मेरे माँ बाप ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। मैं सब खो दूँगी, अपने संस्कारों को कभी नहीं खोने दूँगी, ऐसा मजबूती। ठीक, चलिए।